हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैंडिड मैथमेटिक्स में। आज हम बात करेंगे सब रिंग ऑफ ए रिंग, किसी बलय का उपबलय। ये है बीएससी सेकेंड ईयर के ग्रुप थ्योरी मैथमेटिक्स में है। तो बलय क्या है, इसके पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे सब रिंग ऑफ ए रिंग, यानी किसी बलय का उपबलय। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ यूजफुल डेफिनेशन देंगे, इसके बाद एक थ्योरम भी पढ़ाएंगे आज। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। कहता है माना एस, फाइव जैसे है वो हो गया एस, वलय आर प्लस वलय या रिंग आर प्लस डॉट का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तो उप समुच्चय है तो एस आर में योग और गुणन और गुणन संयोजनों के लिए स्थाई है। यदि कहता है कि कोई एस बलय रिंग, एस जो है रिंग आर प्लस डॉट का एक नॉन निपटी सबसेट है। कौन है एस? एस क्या है? सबसेट है किसका? रिंग आर प्लस डॉट का। तो कहता है कि एस जो है तो आर में प्लस और मल्टीप्लाई यानी योग और गुणन के सापेक्ष संयोजनों के लिए स्थाई होगा। जैसे कि इसकी कंडीशन ये है कि यदि ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। मतलब ये कहता है कि जैसे ये क्या है, एक रिंग है और इस रिंग के अंदर एस एक इसका क्या होगा, सब रिंग होगा। और एस जो सब रिंग होगा वो सब रिंग रिंग की सारी कंडीशन, सारी पॉसिबिलिटीज को जो फॉलो करता हो वो क्या होगा, सब रिंग। यानी अगर रिंग क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो सब रिंग को भी करना पड़ेगा। और अब ये कहता है उसके आगे की प्रोसेस है कि यदि सपोज कि ए एस से बिलोंग करता है और बी भी एस से बिलोंग करता है, तो अगर दोनों एलिमेंट को हम प्लस करते हैं तो वो एस में होने चाहिए। जैसे इफ ए इक्वल टू वन है और बी इक्वल टू टू है, तो वन प्लस टू इक्वल टू थ्री बिलोंग्स टू एस। अगर ये यहां पर थ्री है यानी क्या होगा, वन और टू दोनों क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, इसके समृद्ध होंगे, हिंदी में उसे समृद्ध होंगे कहेंगे या इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये दोनों क्लोज्ड हैं। यानी दोनों को जोड़ने से अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे है वो सब रिंग होगा, क्योंकि वो दोनों नंबर को प्लस करने से तीसरा नंबर मिल रहा है, तो ये एस के अंदर है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई किसके, योग संयोजन के लिए। अब गुणन संयोजन के लिए क्या होगा दोस्तों, कहता है कि ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। यानी कहता है कि अगर ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों
एस में बिलोंग करने चाहिए। जैसे ए इक्वल टू वन है, बी इक्वल टू टू है, तो दिस इंप्लाइज दैट वन इंटू टू इक्वल टू टू बिलोंग्स टू एस, तो टू इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इस तरह से ये कंडीशन है इसमें। साथ ही ये संयोजन केवल एस के लिए अवयवों पर प्रतिबंधित रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रेरित संयोजन कहलाते हैं, यानी इंडक्टिव कंपोजिशन, इंडुसीड कंपोजिशन, यानी इंडुसीड इंडक्टेड में कंडीशन क्या होता है, प्रेरित करते हैं कि ए प्लस बी होगा या ए डॉट बी होगा। अब उपबलय की परिभाषा की कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। आप कहता है कि यस कोई अगर सेट है, रिंग, ये रिंग है आर, प्लस और डॉट दोनों के लिए, और एस क्या होगा, उसका सबसेट होगा, तो क्या हो जाएगा, एस इज ए सबसेट ऑफ आर। और इस कंडीशन पर बलय आर के संयोजन प्लस और मल्टीप्लाई के अंतर्गत स्थाई हो, अगर स्थाई हो, स्थाई मतलब दोनों एलिमेंट को प्लस करें तो थ्री भी हो, वह मल्टीप्लाई करें तो वो भी सब रिंग यानी एस के अंदर हो, तो कुल मिला के क्या होगा, स्थाई होगा, तो एस प्लस डॉट प्रेरित संयोजन स्वयं पर एक बलय होगा। कहता है एस प्लस डॉट ये प्रेरित संयोजन एक बलय हो तो एस प्लस डॉट यानी गुणन, योग और गुणन, ये क्या होगा, का एक उपबलय कहलाता है। ये क्या होता है, का एक उपबलय मतलब सबरिंग कहलाता है, तो ये क्या होगा, सबरिंग होगा। अब है इसके एग्जाम्पल, यदि एस एक बलय आर प्लस डॉट का एक उपबलय है तो स्पष्ट है कि एस प्लस योज आवेली समूह आर प्लस का एक उपसमूह भी होगा। ये नोट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है नोट, ऐसे पॉइंट कम मिलते हैं। इसमें लिखा है यदि एस एक वलय मतलब रिंग आर प्लस डॉट का एक उपबलय है तो यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट होगा कि क्या होगा, एस प्लस क्या होगा, योज अबेली समूह आर प्लस का एक उप समूह है। अब कहता है परिभाषा, इसकी जो प्रोफेशनल परिभाषा होगी, कहता है आर प्लस डॉट यानी अथवा आर प्लस डॉट और सिंगलटन जीरो प्लस डॉट सदैव वलय आर प्लस डॉट मतलब रिंग आर डिनोट करते हैं रिंग को, और ये योग और गुणन के सापेक्ष सारी कंडीशन को फॉलो करती है, इसलिए इसको हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में जब लिखते हैं तो आर प्लस डॉट।
के उपवलय होते हैं, के उपवलय होते हैं, कहता है आर प्लस डॉट और सिंगलटन जीरो प्लस डॉट ये सदैव हमेशा रिंग आर प्लस डॉट के क्या होते हैं, उपवलय यानी सब रिंग होते हैं आर प्लस डॉट, और ये तो आर प्लस डॉट का मतलब है कि वो तो आप खुद ही जानते हैं कि कोई भी सेट स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है, तो आर प्लस डॉट यानी स्वयं का क्या है, ये उपवलय है, लेकिन सिंगलटन जीरो प्लस और डॉट भी क्या होता है, उपवलय होता है। इसके बाद है ये आर के विषम या तुच्छ, कहता है ये रिंग आर के विषम या ट्रिवियल, इसे क्या कहेंगे हम, ट्रिवियल या इम्प्रॉपर, विषम को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, तो ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सबरिंग, क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सबरिंग कहलाते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आर प्लस डॉट और सिंगलटन जीरो प्लस डॉट ये रिंग आर प्लस डॉट के क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे कि ये उपवलय भी है और विषम यानी इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सबरिंग भी इसे कहते हैं। इन दो वलयों के अतिरिक्त, अब नेक्स्ट है पॉइंट, इन दो वलयों के अतिरिक्त अलावा अन्य सभी उपवलय, अन्य सभी उपवलय या अतुच्छ यानी नॉन ट्रिवियल, उचित का मतलब है सभी उपवलय, सॉरी उपवलय नहीं, यहां पर क्या होगा, उचित या अतुच्छ उपवलय या जो स्टूडेंट इंग्लिश में है पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, प्रॉपर अथवा नॉन ट्रिवियल सबरिंग कहलाते हैं। तो यहां से आपको ये पता चला कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबरिंग क्या होगा, कहता है कि ये इम्प्रॉपर कौन कौन से हैं, आर प्लस डॉट या सिंगलटन जीरो प्लस डॉट, ये दोनों हमेशा सदैव रिंग आर प्लस डॉट के उपवलय हैं और ये इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सबरिंग है। इनके अलावा जितने भी आपके रिंग होंगे या उपवलय होंगे वो हमेशा प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल सबरिंग होंगे। आप चलते हैं दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल पर, नेक्स्ट है आप कहता है एग्जाम्पल्स ऑफ सबरिंग। तो अब यहां पर एग्जाम्पल देते हैं कि कौन जितने भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड इंटीजर रेशनल इरेशनल रियल कॉम्प्लेक्स जितने भी चीजें हैं इसमें कौन से सब रिंग होंगे और कौन से रिंग होंगे। रिंग का मतलब तो समझते हैं दोस्तों कि जैसे जितने भी एलिमेंट से मिलके बना हुआ, जैसे सेट की सर्कल के डेफिनेशन क्या थी, द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट, यानी सारे एलिमेंट को एक क्रमबद्ध रूप से अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो यहां पर ऐसे ही रिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं और सारे एलिमेंट को हम एक दूसरे से क्लोज्ड मानते हुए वो कुछ कंडीशन को जब फॉलो करते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि ये रिंग है। अब है वलय, अब कहता है जैसे आई प्लस डॉट वलय
इक्वल है आर प्लस डॉट का, जहां आर क्या है रियल नंबर है और आई क्या है इंटीजर होगा, या कुछ किताबों में जेड से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि आई इंटीजर और जेड दोनों भी इंटीजर के लिए या पूर्णांक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहां आर वास्तविक संख्या है तो कहता है एक उपबल है, एक उपबल है आई प्लस डॉट आर प्लस डॉट का, क्या है ये उपबल होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि रियल नंबर में देखते हैं कि जितने भी नंबर हैं सारे नंबर आ जाते हैं, सारे नंबर रियल नंबर में है तो रेशनल इरेशनल नेचुरल होल इंटीजर्स प्रॉपर प्राइम कंपोजिट इवन और जितने भी नंबर हैं सब आ जाते हैं। लेकिन इंटीजर में क्या है कि इंटीजर में नेचुरल आएगा, होल आएगा और आपका निगेटिव वैल्यूज जो आएंगे निगेटिव नेचुरल नंबर में जितने भी होंगे माइनस वन माइनस टू, इसके अलावा हम तो नहीं कह सकते। तो रियल नंबर में और ये सारे नंबर क्या होंगे रेशनल भी होंगे इरेशनल, तो यानी कहना चाहिए रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर उसका सॉरी इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटीजर क्या है रियल नंबर का सबसेट है। तो यहां पर क्या होगा आई प्लस डॉट आर प्लस डॉट का क्या होगा उपबलय होगा। अब कहता है कि एग्जाम्पल टू कहता है यदि ई ये क्या होंगे इवन इंटीजर्स का सेट होगा, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स क्या होगा ई, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यदि ई संपूर्णांकों का समुच्चय है, संपूर्णांकों का समुच्चय है तो ई प्लस डॉट वाले आई प्लस डॉट का उपबल है यानी सबरिंग है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में इवन ऑड सारी वैल्यू आती है, यहां इवन की बात है तो इवन रहेगा ऑड तो रहेगा, तो इवन इसमें इवन और ऑड दोनों है, इसमें इवन ही है तो इवन क्या होगा उसका सबरिंग हो जाएगा। तो कहता है जहां आई क्या है पूर्णांकों का उपबल है ना, उपबलय नहीं हो सकता सॉरी। यहां पर क्या कहता है यदि ई सम पूर्णांकों का समुच्चय ई प्लस डॉट है बलय आई प्लस डॉट का, आई प्लस डॉट का, तो ये कहता है कि ये उपबलय नहीं हो सकता क्योंकि उपबलय नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि यह समुच्चय योग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। यह दोनों जो सेट हैं ये जो दोनों सेट हैं ये एडिशन के अंतर्गत योग के अंतर्गत संवृत्त या क्लोज्ड नहीं है। इसका मतलब अभी हम आपको दोस्तों बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक यहां इंटीजर हो गया और ये क्या है इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर में ये कहता है कि ये योग के सापेक्ष ये संवृत्त नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। जब क्लोज्ड नहीं है तो क्या होगा उपबलय नहीं होगा, क्योंकि उपबलय की कंडीशन ही है। हम कहते हैं कि यहां पर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं तो टू और क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा टू प्लस सिक्स एट है, टू और सिक्स क्या हो जाएगा ये ट्वेल्व हो जाएगा। तो इसमें लिखा है इसमें है कि यह समुच्चय योग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होगा, इसलिए आई पूर्णांक का उपबलय नहीं हो सकता है। थर्ड है सेकंड फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया
और ये क्या है, थर्ड है। कहता है आई प्लस डॉट एक वलय है, क्योंकि एम आई प्लस डॉट एम प्लस एम एन आई यानी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं के वलय आर पर। परिमेय संख्याओं किससे नोट करते हैं, यानी इसको क्यू क्यू प्लस डॉट, ये सबसेट ऑफ आर प्लस डॉट, क्योंकि रेशनल है, इसमें रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं। तो रेशनल आर प्लस डॉट का ये क्या होगा, उपवलय होगा। स्वयं सम्मिश्र संख्याओं के वलय सी प्लस डॉट का एक उपवलय होता है, जबकि आर प्लस डॉट स्वयं, ये कहता है कि जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है वास्तविक संख्याओं के वलय आर प्लस डॉट का उपवलय है, क्या होगा, का उपवलय है। जबकि आर प्लस डॉट स्वयं सम्मिश्र संख्याओं के वलय सी प्लस डॉट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक उपवलय होता है। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय एम प्लस एम आई सी का एक उपवलय, ये क्या है, उपवलय होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम में कौन किसका उपवलय होगा। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और नेक्स्ट हम एक एग्जाम थ्योरम बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों उसके थ्योरम पर। थ्योरम कहता है कि दो उपवलयों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो क्या होता है, एक उपवलय होता है। तो इसका प्रूफ होगा, माना एस वन प्लस डॉट और एस टू प्लस डॉट वलय आर प्लस डॉट के दो उपवलय है, तब एस वन इंटरसेक्शन एस टू अरिक्त है, क्या होगा, अरिक्त, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट जरूर होगा, तो इम्पटी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट यानी अवयव जीरो बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, कम से कम जीरो तो होगा। अब एस वन इंटरसेक्शन एस टू को उपवलय सिद्ध करना पर्याप्त है। हम सिद्ध करेंगे एस वन इंटरसेक्शन एस टू भी एक उपवलय है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन है इफ ए बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू एंड बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, तो कहता है कि दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b, माइनस क्यों लगा, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है दोस्तों, इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट कॉमन नहीं होते वो हट जाते हैं दोनों सेट से, तो s1 से भी s2 से भी वही एलिमेंट रहेंगे जो कॉमन रहेंगे। तो a माइनस b बिलोंग्स टू s1 इंटरसेक्शन s2। फिर है दोस्तों, तथा सेकंड a बिलोंग्स टू एस वन एस टू मल्टीप्लाई b कामा b बिलोंग्स टू
एस वन इंटरसेक्शन एस टू, तो क्या हो जाएगी ये ए बी बिलोंग्स टू आल्सो, ए बी इज आल्सो बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, तो क्या होगा अब ए बिलोंग्स टू इफ ए बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू एस वन एंड ये क्या हो जाएगा कामा ए बिलोंग्स टू एस टू, यानी यदि ए दोनों एस वन इंटरसेक्शन एस टू में बिलोंग कर रहा है तो एस वन एस टू दोनों सेट में, दोनों सब रिंग में बिलोंग करेगा, एंड ये क्या हो जाएगा बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, दिस इंप्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू एस वन कामा बी बिलोंग्स टू एस टू। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें अब एस वन और एस टू दोनों ही उपबलय हैं, अब एस वन और एस टू दोनों ही उपबलय हैं, इसलिए क्या होगा ए बिलोंग्स टू एस वन, बी बिलोंग्स टू एस वन, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस वन, फिर है ए और ए बी बिलोंग्स टू एस वन एंड बी बिलोंग्स टू एस वन, बी बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू सॉरी ए बिलोंग्स टू एस टू, बी बिलोंग्स टू एस टू, दिस इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस टू और ए बी बिलोंग्स टू एस टू। अब क्या होगा अब ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस वन एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस टू, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू एंड क्या होगा ए बी बिलोंग्स टू एस वन कामा ए बी बिलोंग्स टू एस टू, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज आल्सो बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू। अब ए बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू और ए बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, एस वन इंटरसेक्शन एस टू वाले आर के एक उपबलय यानी सब रिंग होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम ये थ्योरम आप तक पहुंचाए हैं। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो पर देंगे, आज इतना ही। यदि हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।